In 2021, I have taken more than 100 Volvo rides. I have never seen such an aggressive and skilled captain like. क्योंकि मैंने कहा वो ही हो सकता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो शॉप। हाँ नॉन शॉप बिल्कुल। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और मुझे उम्मीद है आप सब कोरोना महामारी से जो है सुरक्षित है। तो फिलहाल मैं हूँ शिमला में और अभी का टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री। देवभूमि हिमाचल के एक खास जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई खास क्यों बोल रहा हूँ, एक तो आप मेरे चैनल पर वॉल्वो स्कैनिया ये सब देखते हैं, डिलक्स बसेस देखते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ HRTC की ऑर्डिनरी बस, जो कि है हिमाचल गवर्नमेंट की, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। और बस नाम का ऑर्डिनरी है, खास इसलिए क्योंकि ये शिमला से धर्मशाला नॉनस्टॉप चलती है, सुपर फास्ट बस है। ये रूट मेरे को रेकमेंड किया है ड्रीम बसेस के अखिलेश जी ने। ड्रीम बसेस यूट्यूब चैनल है, उनमें वो पंजाब और हिमाचल साइड की जर्नी दिखाते हैं, तो उन्हीं से जो है मैं इंस्पायर होकर आज इसमें जर्नी कर रहा हूँ। बस जर्नी जो है काफ़ी स्पेशल होगी। इस वीडियो को अगर आपने खोला है तो मैं समझता हूँ आपका बसों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। चलिए बस को बोर्ड कर लेते हैं। डिपार्चर टाइम जो हो गया, आपको मिलवाएंगे फेमस पायलट, मतलब दरवाजे के साइड में ऐसे लिखा हुआ है पायलट के डोगरा जी, तो उनसे मिलवाते हैं आपको स्पेशल। और बस भी काफ़ी खूबसूरत है, तो एक बार फटाफट बस का एक टूर लेते हैं, फिर जैसी जर्नी चालू हो जाती है मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम फेयर। Focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. और ठीक है आप? हाँ बिल्कुल जी। हाँ आप कहाँ पे हैं? तो गाइस फिलहाल दोपहर के 2:30 बजे और हम शिमला से निकल रहे हैं, शिमला HBT से। मैं आपको इस बस के बारे में बता दूं, ये बस है एक HRTC की ऑर्डिनरी बस, टाटा की 15-12 बस है और इसको ऑपरेट कर रहे हैं शिमला वन डिपो। तो शिमला का जो है वन, मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके अलग अलग थोड़ा डिवीज़न है। और इसकी रूट की बात करिए, डल्लाघाट, घाघूस, घुमारविन, हमीरपुर, ज्वालाजी और फिर कांगड़ा। नॉनस्टॉप बस है, कहीं नहीं रुकेगी, सिर्फ खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। 10 मिनट रुकेगी हमारे आज के कैप्टन है KK डोगरा जी, उनको उनसे भी आप बात कराएंगे आपकी थोड़ी देर में। और यही है शिमला का, शिमला से धर्मशाला का आपका जो फेयर है वो है 540 रुपये। टिकट आप चाहे तो काउंटर से ले सकते हैं, चाहे तो आपकी गाड़ी के अंदर बन जाएगी। और अभी चलते हैं, निकलते हैं हम शिमला जर्नी। मुझे उम्मीद है हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली, तो इस रॉ और क्वालिटी वीडियो को आप एंजॉय करते रहें। तो हाँ, क्योंकि ये एक रॉ जर्नी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बस की राइड क्वालिटी को फील करें। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ यार काफ़ी बस लवर्स जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं कहीं भी कोई सॉन्ग नहीं ऐड करूँगा, सिर्फ दो जगह जो है, एक सिनेमैटिक्स वाली जगह पे और एक इवेंट में सॉन्ग दूंगा, बाकी आप जो है ये इंजन का जो रियल साउंड है उसको फील करें। बाकी इन्फॉर्मेशन की बात करें, शिमला से चलती है दोपहर को 2:30 बजे, धर्मशाला पहुंचा देती है रात को 9:30। तो हाँ, डिस्टेंस की बात करें वो होगा कुछ 230-240 किलोमीटर और टाइम लग जाएगा अपने को 7 घंटे। लेकिन भैया जिस स्पीड के साथ आज चलेंगे ना, वो आप देख लेना आपने, जैसा आज मैंने भी ऐसा ड्राइविंग पहले नहीं देखा होगा, इसीलिए आज स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने आपको कहा था ये नॉन स्टॉप बस है, लेकिन इसमें रनिंग सवारी बैठ सकती है, मतलब रोड से कहीं भी ये बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएगी या कहीं और नहीं जाएगी, रास्ते में जो सवारी आ सकती है उनको चढ़ाएंगे, उनको उतारेंगे। और इस गाड़ी में जो है हिमाचल का, मतलब जो पास है, लोकल पास है, वो एक्सेप्टेड नहीं है। सीट रखा था, क्या नाम है भी आपका? विक्रम जी। और आप कंडक्टर आज के? राजीव कुमार। अच्छा अच्छा, इसी शिमला ट्रिप हो गए? हाँ जी शिमला। आप भी शिमला में? डोगरा। और आप तो कैप्टन हो ना? कुशल डोगरा कैप्टन। बिल्कुल, आपका तो बहुत नाम है। ये 4x4 है। अच्छा अच्छा, वो कौन है? ये 4x4। अच्छा 4x4।
तो हाँ, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया बस, मतलब रेडिएटर का पाइप गर्म हो गया, उसमें बस पानी डाल रहे स्टाफ जो है बहुत ही एक्सपीरियंस, मतलब प्रॉब्लम है ना ऐसे देख के ही बता दिया, और मतलब बस 5 ही मिनट में जो है सॉर्ट कर देंगे, फिर हाँ यहाँ से निकलते हैं। और ये टोपी शायद आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, इसको चेंज करते हैं। लो भैया, अब लग रहा हूँ ना बिल्कुल हिमाचली आदमी। मुझे जो है कुछ नॉन स्टॉप जर्नीज भी करनी है कुछ बेहतरीन कैप्टन्स के साथ, और जो है मेरे को काफ़ी डेंजरस रूट में भी ट्रैवल करना है। तो हाँ, ये सब जो ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास काफ़ी इंडियन के अलावा फॉरेन व्यूअर्स भी है जो मेरे वीडियो देखते, तो वो भी तो देखें भैया हिमाचल प्रदेश इंडिया भैया कैसा है, कितने स्किल्ड लोग हैं हमारे पास। मैं यही तो प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हमारे को मैकेनिक नहीं मिल पाता, स्टेशन पे गाड़ी को पहुंचाने लायक खुद करते हैं। अच्छा अच्छा, तभी मैंने इसको पहले ही बोल दिया था पीछे ही, रोक के थोड़ी देर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा वही हो सकता है, बाकी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब ठीक है, मेरे को लग रहा है जो थी वो लंबी थी, उसको काट के मतलब आपने बचा लिया आज कल। आप शिमला डिपो? हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसी के हैं। और मतलब सबने जो है मतलब स्टाफ और जनों थे सबको बहुत अच्छी नॉलेज है, और फटाफट ठीक कर दिया। तो चाय वाय जो है वही पी लिया था, बोल दिया था उन्होंने, हमारे कंडक्टर भी आए तो बोल दिया था कि 10 मिनट का ब्रेक है, आप जो चाय पानी करना है कर लो, आगे कहीं नहीं रुकेगी। तो टाइम तो वही रह गया ना, टाइम वही रह गया, कवर अप हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते धर्मशाला, कुछ नहीं टाइम पूरा टाइम पे। और हमारे कैप्टन है वो भी खींच रहे, बहुत बहुत स्किल्ड ड्राइवर है, इतने अच्छे मैंने कहीं नहीं देखे। और
नहीं जाती और नॉन स्टॉप के साथ साथ सुपर फास्ट भी है, काफ़ी स्किल्ड है हमारे कैप्टन के डोगरा जी और ये भैया भी हमारे साथ है। आज ड्यूटी पे नहीं है वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो ये है भैया, तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और सनसेट का टाइम है अभी, तो मैं तो थोड़ा लेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 बजे के आसपास हो, लेकिन अभी 6:15 इसी टाइम पे हो जाना है, तो देखते हैं जितनी आपको जो है रोशनी में जर्नी दिखा उतना अच्छा है, रात को भी दिखाएंगे तो इंतज़ार करें। वैसे कांगड़ा ज्वालामुखी वो सब रोड जो आपने मेरे SRTC वीडियो में भी देखा होगा जो हिमसुता की मैंने बनाई थी, लेकिन अभी ये जो है बिल्कुल अनेस्ट रोड है, तो एंजॉय करते रहिए। तो
अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कंदौर पुल। ये एशिया में हाईएस्ट होता था पहले चिजम ब्रिज के बनने से पहले, और अभी जो है एशिया का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है ये मैं कह सकता हूँ। और अंधेरा हो गया तो समझ रहे हैं अंदर शूटिंग ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, हम धर्मशाला या कहीं और रुकेंगे तो पहुँच के बात करेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करें। तो भगवान आप सबका भी भला करे, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दें तभी करेंगे। तो भाई शाम का जो है 7:30 बज रहे हैं, पहुंच गए हमीरपुर। और हिमाचल में जो हमीरपुर का काफ़ी नाम है अगर आपको पता होगा तो, धर्मशाला जो है से कुछ 90 किलोमीटर है, तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। मैं भी 10 बज गया है, गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, और रोड आप देख रहे हैं मतलब हर 1 किलोमीटर चलने के बाद जो स्पीड पर करें तो क्या करें भैया, इतना स्पीड पर अगर बनाओगे तो बस कैसे चलेगी। हाईवे पर जो बोलते हैं कि स्पीड पर नहीं होना चाहिए, और वो जो है अपन हाईवे से चल रहे थे NH 105, लेकिन उसमें जो हाँ हो गया जी, तो बस चलते हैं कंटिन्यू करते हैं बाकी की जानी। तो गाइस पहुंच गए ज्वाला, धर्मशाला जो यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर है, तो रात के 8:30 बज रहे, थोड़ा लेट चल रहे हैं। और अभी क्या है कि बैक टू बैक जो है दिल्ली बाउंड वॉल्वोज होंगे, उनकी क्रॉसिंग होगी, तो अगर आप वॉल्वो लवर भी है और मतलब इंटरेस्टिंग लगता है देखना वेखना, तो देखिए मैं आपको सब दिखाता हूँ, सब क्रॉसिंग्स क्या क्या ऑपरेटर्स हैं धर्मशाला दिल्ली के, वो भी मैं लिख दूँगा यहाँ से। तो चलिए सफ़र ज़्यादा बाकी नहीं है, तो आपको जो है कुछ ही देर बने रहना है। चलते हैं तो फिर धर्मशाला पहुंच के अब आपसे बात करेंगे।
10 बज रहे हैं और हम धर्मशाला एंटर हो रहे हैं अभी। ड्रॉपिंग पॉइंट की बात करें धर्मशाला में, आपको जो है पोस्ट ऑफिस उतार देंगे या फिर आइस बेटी धर्मशाला। तो मैं जो है आइस बेटी धर्मशाला उतरूंगा, वहाँ से जो है टैक्सी वैक्सी का जो है पार्किंग है। तो मैक्लोडगंज अगर जाना है तो धर्मशाला बस स्टैंड उतरी है। दिन में जो आपको बसेज मिल जाएगी जो कि 20-22 रुपए कुछ किराया था, बहुत पहले गया था तो उतने में जो है आप पहुँच सकते हैं मैक्लोडगंज। लेकिन रात को जो है टैक्सी वैक्सी मिलती है, तो देखते हैं फेयर जो मैं लिख दूंगा अभी कितने फेयर में मैं पहुँचाऊँ मैक्लोडगंज। तो सर्विस रिव्यू की बात करें, काफ़ी अच्छी सर्विस है, आप ले लीजिए। 7 घंटे में आप आ जाएंगे धर्मशाला। टूरिस्ट के लिए भी सही है, लोकल्स के लिए भी सही है। नॉन स्टॉप है गाड़ी, ज़्यादा नहीं रुकती बीच बीच में, जैसे आपको लग रहा होगा कि बीच बीच में जो रुक रही है वैसे नहीं होगा, तो सही है। और चलिए धर्मशाला उतरते हैं और आपकी डोगरा जी से एक बार बात कराते हैं, जो कि मेरे को लगे एकदम बढ़िया वाला कैप्टन। ठीक है, तो गाइज रात के जो है 10:10 हो रहे हैं और पहुंच गए यहाँ पे धर्मशाला आईएसबीटी। हाँ, बस जो है लगभग 30-40 लेट है। इंजन में थोड़ा सा रेडिएटर का प्रॉब्लम हो गया था, मैंने बताया, उस वजह से जो है लेट हो गई, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। ओवरऑल जो है बहुत ही बढ़िया है। मतलब इन 2021 आई हैव टेकन मोर देन 100 वोल्वो राइड्स, या 100 से भी ज़्यादा। बट आई हैव नेवर सीन सच एन एग्रेसिव एंड स्किल्ड कैप्टन लाइक कुशाल कुमार डोगरा जी, और बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ ट्रैवल करके। तो हाँ, इस वीडियो में मैं पूरा आपको जो है कैबिन राइड्स वगैरह नहीं दिखा पाया, क्योंकि व्लॉग आपको पता है शॉर्ट रखनी होगी। तो इस जर्नी का भले ही अंत हो गया होगा, लेकिन आगे जो ऐसी जर्नीस आती रहेंगे। तो फिलहाल जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बात करा देते हैं आपको कुशाल डोगरा जी से। तो ये हमारे कुशाल कुमार डोगरा जी, आप बताइए आप कौन से डिपो से हैं? शिमला डिपो से। शिमला। अच्छा, तो आप इसी रूट पे चल रहे हो? बस ये रूट है हमारा। अच्छा, और कैसा लग रहा है? सब सही, बढ़िया, एकदम बढ़िया, अच्छी नौकरी है, अच्छा काम है, सरकारी है ना? सरकारी है। तो आपको वॉल्वो चलाने का मन करता है? नहीं, वॉल्वो हमने छोड़ दी चला के। अच्छा अच्छा, चला के छोड़ दी, हिमसुता चला देते क्या? अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा आपके साथ ट्रैवल करके, और फिर आएंगे एक बार और। मोस्ट वेलकम। इसी रूट पे आप चलते हो ना शिमला से? यहाँ से वापस भी, यहाँ से वापस भी जो है धर्मशाला से शिमला सुबह 6 बजे निकलते, तो वो टाइमिंग भी आप जान लीजिए। डिक्की पे पीछे एक चीज़ लिखा था जो मैंने आपको शिमला पे देखा है, कि लगता है फिर आना पड़ेगा, और मेरे को भी सेम चीज़ लग रहा है कि लगता है जो फिर आना पड़ेगा, एक बार इनके साथ जर्नी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, अगर नहीं लगा तो कमेंट करके बताएं कि क्या सजेशन है आपके। तो आपके लिए भी वही सीन है, लगता है फिर आना पड़ेगा मेरे चैनल पर। याद रखें, तूफान आंधी आए बरसात हर मंगलवार आपके साथ।